तो हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं एबीपी न्यूज से। माफिया अतीक ने उमेश पाल अपहरण केस को लेकर क्या कहा 9 सेकंड न्यूज में। सजा के बाद एबीपी न्यूज से बोला माफिया अतीक अहमद, अपहरण केस में मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया, मैं बेकसूर हूं, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। उमेश पाल हत्याकांड में से मेरा या मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं, एबीपी न्यूज पर बोला अतीक अहमद का भाई अशरफ, उमेश पाल के कई दुश्मन थे, मामले की हो सीबीआई जांच की मांग। उमेश पाल हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद अतीक को लेकर साबरमती जेल के लिए निकली पुलिस, चित्रकूट में लगा काफिले पर ब्रेक, मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रात 12 बजे बांदा पहुंचा अतीक का काफिला, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर थोड़ी देर के लिए रुकी गाड़ियां, बांदा से महोबा के लिए रवाना हुई। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच माफिया अतीक अहमद आज शाम तक पहुंचेगा गुजरात की साबरमती जेल, फिलहाल राजस्थान से गुजर रहा है काफिला। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, प्रयागराज कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अतीक के साथ दिनेश वासी सौलत हनीफ को भी उम्र कैद। सजा सुनने के बाद कोर्ट में अतीक अहमद हुआ भावुक, खुद को बताया निर्दोष, का मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, जज ने दिया जवाब, बोले सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला। अतीक अहमद पर फूटा वकीलों का गुस्सा, कोर्ट में अतीक और वकीलों में हुई धक्का मुक्की, अतीक के खिलाफ वकीलों ने की नारेबाजी, पेशी के दौरान भी वकीलों ने किया था हंगामा। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी, प्रयागराज कोर्ट ने 2005 के उमेश पाल के किडनैपिंग मामले में दोष मुक्त किया, फैसले के बाद वापस बरेली जेल भेजा गया अशरफ। अपहरण केस में कैसे मिली माफिया को सजा, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक के बचाव में पेश किए गए 51 गवाह, अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाह अतीक पर पड़े भारी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे अतीक के बचाव में पेश हुए ज्यादातर गवाह। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हमारी सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की पैरवी, इसलिए अतीक अहमद को हुई उम्र कैद की सजा, आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। अतीक को पहली बार किसी अदालत ने ऐसी सजा सुनाई है, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, माफिया का आर्थिक साम्राज्य पूरी तरह ध्वस्त करेंगे। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जांच करनी चाहिए कि जेल में रहते अतीक अहमद से बीजेपी के कौन कौन से नेता मिल रहे थे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, कोर्ट के फैसले का स्वागत, पहले अपराध में उमेश पाल के परिवार को मिला इंसाफ, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फैसले के बाद उमेश पाल की मां की कोर्ट से अपील, का अपहरण केस में न्याय मिला, मर्डर केस में अतीक को मिले फांसी, परिवार को है अतीक अहमद से खतरा। ऐसे गुंडों और माफियाओं पर होती रहेगी कार्रवाई, योगी सरकार मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, यूपी की पहचान है गुंडा, अपराध मुक्त और विकास। योगी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, योगी जी का बुलडोजर तब तक चलता रहेगा जब तक यूपी पूरी तरह से अपराध और माफियाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है योगी सरकार, यूपी सरकारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, मुख्यमंत्री जी ने अपराध को खत्म करने के लिए किया है काम। प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कोई भी अपराधी हो मिलनी चाहिए सजा। और देखिए आज हो जाएगा कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान, लोकसभा चुनाव के लिए बन रहा सियासी जमातों का क्या है प्लान, वो भी आपको बताते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक चरण में हो सकते हैं सभी 224 सीटों पर चुनाव। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 2B आरक्षण रद्द करने का विरोध, मांड्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नए आरक्षण को रद्द करने की मांग की। कर्नाटक के रामनगर में बनेगा दक्षिण का अयोध्या, बीजेपी ने वीडियो ब्लूप्रिंट जारी किया, राम मंदिर बनाने के 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 18 महीने में होगा तैयार। ओबीसी के अपमान को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल, शाम 7:30 बजे संसद भवन एनेक्सी में होगा मंथन। आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में जारी किया मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, 30 मार्च से लगाए जाएंगे, आप नेता गोपाल राय ने कहा देश में भाजपा की अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है।
और अब देख लेते हैं पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, विपक्ष का केंद्र पर पलटवार। मिशन 2024 से जुड़ी हर बड़ी खबर सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई हैं, सारे विपक्षी अब एक मंच पर दिख रहे हैं। देश में पहली बार इस तरह भ्रष्टाचार पर हुआ है वार, नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस शासन में बैंकों को लूटा गया, हमने लूटने वालों की संपत्ति जब्त की, आज पूरी दुनिया में बीजेपी की चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा ने की मोदी की तारीफ, कहा मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, कोरोना काल के दौरान जो लड़ाई मोदी जी ने लड़ी वो लड़ाई दुनिया में किसी देश ने नहीं लड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कार्यालय को लेकर कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा बीजेपी कार्यालय सेवा केंद्र राष्ट्रीय विचारों के प्रवाहमान स्रोत और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्थल है। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी का कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन, कोलकाता में ममता बनर्जी का आज से 2 दिवसीय धरना, संसद परिसर टीएमसी सांसद करेंगे प्रदर्शन। टीएमसी के धरने को लेकर बीजेपी का पलटवार, हिंदू विरोधी काम करने का लगा आरोप, का जानबूझकर धरने के लिए रामनवमी वाले दिन को चुना गया, हिंदुओं का अपमान करती है ममता। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा अगर जेपीसी का गठन हुआ तो अदानी नहीं मोदी जी डूबेंगे, आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अदानी के हैं मैनेजर। बीजेपी का आप पर पलटवार, संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल अपने ऊपर अंकुश लगाएं और भ्रष्टाचार का काम बंद कर विकास का काम करें, उनकी भाषा से बौखलाहट झलक रही है। अदानी मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी अदानी का नाम मुंह से क्यों नहीं निकलता, ये कहा ये मोदी का घोटाला है, नियम बदलकर देश के 6 एयरपोर्ट अदानी को दे दिए गए। अखिलेश यादव का बयान, 2024 में बीजेपी का होगा सफाया, आज जिसके साथ गठबंधन उसी गठबंधन के साथ 2024 में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। क्या खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पंजाब में ही है, देख लेते हैं 9 सेकंड में इससे जुड़ी हर खबर। पंजाब में अमृतपाल के छिपे होने की संभावना, आधी रात तक चली पुलिस की कार्रवाई, होशियारपुर के मर्दनिया कला के खेतों में तलाशी अभियान, इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात। 21 मार्च को दिल्ली में था अमृतपाल, सीसीटीवी फुटेज से नई तस्वीर आई सामने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की पुष्टि, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मीनगर में ठहरा था। अकाल तख्त पर बढ़के भगवंत मान, बादल परिवार ने जिस स्वार्थों के लिए किया इस्तेमाल, अकाल तख्त ने अमृतपाल केस में पूछताछ के लिए पकड़े गए लोगों को छोड़ने को लेकर दिया है अल्टीमेटम। उधम सिंह नगर में खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल और उसके साथियों के छिपे होने की संभावना है, हाई अलर्ट पर पुलिस है, सोशल मीडिया पर पुलिस रख रही है कड़ी नजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब क्या है विपक्ष का प्लान, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। राहुल के सदस्यता जाने के बाद फुल एक्शन में है कांग्रेस, संसद में आज विपक्षी दलों की बैठक, आगे की रणनीति पर होगा विचार। लाल किले के पास राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मशाल जुलूस में हंगामा, कार्यकर्ता हिरासत में ले गए, पुलिस ने कहा मशाल जुलूस की इजाजत नहीं ली गई थी। मशाल जुलूस रोकने के मुद्दे पर आज संसद में हो सकता है हंगामा, सांसद मणिकम टैगोर का बयान, सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और पुलिस के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस देंगे। कैसे वेणुगोपाल का बयान, शांति मार्च को रोका गया, लोकतंत्र की हत्या, पुलिस से हुई थी बात, फिर भी मशाल जुलूस को रोका गया। प्रदर्शन के दौरान जयराम रमेश, इमरान प्रतापगढ़ी और अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए, हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बस को रोकने की कोशिश, लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, हमने जलाई मशाले जिन्हें पुलिस ने बुझाने का काम किया, हम दिल की मशाल जलाएंगे, हर जुल्म से लड़ेंगे। लाल किले के सामने पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस, कपड़े में आग लगाकर कार्यकर्ताओं ने मशाल बनाने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। विपक्ष लोकसभा स्पीकर को क्यों घेरना चाह रहा है, देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी सदस्यता खत्म करने को लेकर है नाराज। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर एक्शन में कांग्रेस, ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने की बनाई रणनीति, पार्टी आज से चलाएगी जय भारत सत्याग्रह अभियान।
राहुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज 31 शहरों में पीसी करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। कांग्रेस नेता उदित राज के नेतृत्व में आज मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन, पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। सदस्यता खत्म होने के बाद 5 अप्रैल को कर्नाटक में राहुल की पहली रैली, कोलार में जनसभा को करेंगे संबोधित, अप्रैल मई में होने वाला है चुनाव। प्रियंका वाड्रा का पीएम मोदी पर हमला, कहा जब दोस्त भाई पीएम तो अब डर का है, वाह मोदी जी वाह, क्या दोस्ती निभा रहे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, आने वाले समय में राहुल गांधी की आवाज के साथ चलेगी जनता, सदन में उनकी आवाज दबा दी गई, जनता के बीच जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और आइए अब देख लेते हैं देश की दूसरी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एससीओ देशों के एनएसई की बैठक, पाकिस्तान और चीन वर्चुअल तरीके से होंगे शामिल, सुबह 10:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में मीटिंग। पुणे में 22 अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ भारतीय सेना के युद्धाभ्यास समापन कार्यक्रम में बोले सेना प्रमुख मनोज पांडे, कहा भारत अफ्रीका आतंकवाद जैसे खतरों का कर रहे हैं सामना। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने चीन पर बोला हमला, कहा दक्षिण एशिया में बढ़ रहा है चीन का दखल, इंडो पैसिफिक अफ्रीका और हमारे पड़ोस में भी मिलिट्री बेस बनाने के आक्रामक प्रयास कर रहा है चीन। उत्तराखंड के पंतनगर में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेशी मेहमान, लोक कलाकारों ने पेश किया छोलिया डांस, परंपरागत तरीके से किया गया मेहमानों का स्वागत। साइबर क्राइम रोकने की दिशा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कदम, 14C यूनिट के कामकाज की समीक्षा की, जनता में जागरूकता पैदा करने को लेकर हुई चर्चा। ओडिशा में INS शिलका में भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच की हुई पासिंग आउट परेड, नौसेना चीफ हरि कुमार रहे मौजूद, अग्निपथ योजना के तहत शामिल किए गए अग्निवीर। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका में सदस्यता बहाल करने की मांग। सभी धर्मों में तलाक की समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, केंद्र सरकार ने किया है विरोध, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का नीतिगत है मामला। नफरती भाषणों पर रोक लगाने वाली मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, दाखिल याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र में हाल ही में 50 से ज्यादा रैलियों में नफरती भाषण दिए गए। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में आरोपी लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में पेश भी हो सकते हैं सभी आरोपी। और आइए अब देख लेते हैं दिल्ली NCR और मुंबई की खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदोड़ी के प्रस्ताव को स्पीकर ने दी मंजूरी, वोटिंग से पहले होगी चर्चा। दिल्ली में कार लूटने वाले गिरोह के 6 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, 6 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद, 2 फॉर्चूनर कार बरामद, कार लूट के बाद जम्मू कश्मीर ले जाई जाती थी। यूपी के गाजियाबाद में सिरफिरे आशिक ने महिला को मारी गोली, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, महिला को फोन पर तंग करता था आरोपी, महिला के मिलने न आने पर मारी गोली। मुंबई में इन्फ्लुएंजा वायरस के 76 मामले हुए दर्ज, मार्च महीने में H3N2 के 21 मरीज आए सामने, H1N1 के 55 केस हुए दर्ज, 14 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुंबई में कोरोना के 135 नए केस सामने आए, एक्टिव मरीजों की संख्या 663 हुई, बीते 24 घंटे में 11 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, कुल 52 मरीज अस्पताल में करवा रहे हैं इलाज। पालघर में साधुओं की हत्या वाले मामले को CBI को सौंपने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया था विरोध। विधायक पर भारी थानेदारी, शराबबंदी में शराब की भरमार, आपको दिखाते हैं बिहार की तमाम खबरें 9 सेकंड में। विधायकों की नहीं, बिहार के थानेदार नहीं सुनते विधायकों की, RJD कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा में सवाल उठाए, RJD विधायक ऋषि कुमार ने कहा पूरे बिहार के थानों का यही हाल है। बिहार के आरा में दो भाइयों का कमाल, इंटरनेट की मदद से पेट्रोल इंजन बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदला, कुछ घंटों में बाइक को बैटरी पर चलने वाली मशीन में बदलने का किया कारनामा, मिले कई ऑर्डर।
बिहार के हाजीपुर में एंट्री लेकर टास्क फोर्स ने 10 लाख की अवैध विदेशी शराब को किया जब्त। 92 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से कंटेनर में भरकर लाई गई थी शराब। बिहार के नवादा में रेलवे अधिकारी से 50 लाख की मांगी गई रंगदारी। तिलैया जंक्शन पर लगाया धमकी भरा पोस्टर। बाबू और गेटमैन को गोली मारने की दी धमकी। बिहार के मोतिहारी में डॉक्टर से बदमाशों ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। डॉक्टर ने पुलिस में दी शिकायत। क्लिनिक में मिली धमकी भरी चिट्ठी। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी। बिहार के सहरसा में सिविल कोर्ट परिसर में कैदी की गोली मारकर हत्या। पेशी पर आए कैदी को दिनदहाड़े मारी गोली। एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। बाकी बदमाश हुए फरार। बिहार के भागलपुर में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। खेत में आग लगने की वजह साफ नहीं। खड़ी फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। और आइए अब देख लेते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के गोरखपुर में ट्रेन के पहियों में लगी आग। सुरक्षाकर्मियों ने व्यक्त रहते आग बुझाई। बड़ा हादसा टला। गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस की एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आज यूपी में आरक्षण की लिस्ट होगी जारी। शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। यूपी निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने पर मंत्री एके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को कहा शुक्रिया। बोले सही वक्त पर चुनाव करवाने के लिए हम तैयार हैं। बिना ओबीसी का आरक्षण दिए चुनाव नहीं। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर मत्था टेका। सारस से मिलने कानपुर के चिड़ियाघर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। सारस को अमेठी से कानपुर जू लाया गया। सारस का दोस्त आरिफ भी अखिलेश यादव के साथ पहुंचा। यूपी के कुशीनगर में मर्डर केस के फरार आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 12 में से 8 आरोपी फरार। जमीन के विवाद में की थी एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। आरोपियों के घर को तोड़ा गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद शव को जलाया। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज। दोनों आरोपी बाप बेटे फरार। यूपी के मेरठ में ज्वेलरी शॉप में चोरों ने सुरंग खोदकर की चोरी। लाखों के गहने ले उड़े चोर। व्यापारियों ने मौके पर पहुंची पुलिस का किया विरोध। चोरी की घटनाओं पर जताई नाराजगी। यूपी के मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की 17 बीघा जमीन कुर्क गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। याकूब कुरैशी के परिवार की अवैध संपत्ति पर पुलिस का एक्शन। 32 लग्जरी गाड़ियां भी होंगी जब्त। यूपी के बुलंदशहर में माता पिता की हत्या के आरोपी बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग बेटी ने दूध में नशे की गोलियां खिलाकर माँ बाप को किया बेहोश। कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा। दिल्ली यमुनोत्री एक्सप्रेसवे पर कार और बाइक की टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। और सीधा रुख करते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं मिस्टर राहुल गांधी। ओबीसी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके जो फैसला किया। मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से संविधान से पार्लियामेंट से इन सब से ऊपर है। धन्यवाद। तो 9 सेकंड न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब आपको दिखाते हैं देश के बाकी राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। बर्फ हटाने के काम में लगा जेसीबी ऑपरेटर अवलांच की चपेट में आया। तमिलनाडु से सबरीमाला के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरी। 62 लोग घायल। कई की हालत गंभीर। श्रद्धालुओं में 9 बच्चे भी शामिल। घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्विमिंग के दौरान पानी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। तीर्थम गांव में हुआ हादसा। गुजरात के सूरत में टैंकर के ब्रेक हुए फेल। कार को काफी दूर तक घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेशनल हाईवे 48 की घटना। कोलकाता में लापता 7 साल की मासूम बच्चे का शव मिला। पड़ोसी के घर में बोरे से मिला शव। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर पुलिस से मांगी रिपोर्ट। और आइए अब देख लेते हैं देश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें सिर्फ 9 सेकंड में।
मोदी ने कहा, कांग्रेस वो है जो मुझे जेल भेजना चाहती थी, अब मेरी कब्र खोदना चाहती है, लेकिन जनता कह रही है मोदी जी आप रुकना मत। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में आवासीय परिसर का किया उद्घाटन, जेपी नड्डा के साथ मिलकर की पूजा अर्चना, मजदूरों के साथ फोटो भी खिंचवाई, विपक्ष पर साधा निशाना। अशोक गहलोत ने किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला, कहा संजीवनी मामले से घबरा गए हैं मंत्री जी, उनके परिवार पर है आरोप, 2 लाख परिवारों का डूब गया है पैसा। राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच विवाद जारी, मंत्री खचरियावास ने कहा हम डॉक्टर से नहीं चाहते टकराव, अगर 4 कदम पीछे हटना पड़ेगा तो हटेगी सरकार। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स, भरतपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ की बैठक, विरोध में समर्थन की अपील की, बैठक को लेकर जांच के आदेश जारी। G20 मीटिंग से पहले काशीपुर पहुंचे सीएम धामी, पूर्व विधायक कैलाश गहलोत गहतोड़ी के निवास पर उनसे की मुलाकात, G20 सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार की बात कही। गुजरात के पोरबंदर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हर सिद्धि माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, मंदिर में की माता की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने निकाली कृषि बचाओ किसान बचाओ रैली, आलू किसानों की समस्याओं को लेकर ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, ममता सरकार पर वादा पूरा ना करने का लगाया आरोप। वहीं राहुल गांधी को सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने क्यों दी चेतावनी, आइए आपको दिखाते हैं। सावरकर पर बड़ा संग्राम, सावरकर के पोते रंजीत सावरकर की राहुल गांधी को चेतावनी, बोले माफी नहीं मांगे तो दर्ज कराएंगे FIR। उद्धव ठाकर पर भी बरसे रंजीत सावरकर, कहा सावरकर के आदर्शों को मानने वाले उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी से माफी मांगने को नहीं बोला। कल से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना निकालेगी सावरकर गौरव यात्रा, 6 अप्रैल तक चलेगी यात्रा, सावरकर के इतिहास को यात्रा के जरिए लोगों के बीच लेकर जाने की है योजना। सावरकर मामले पर छिड़े सियासी संग्राम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा शिवसेना से के साथ मामला सुलझ गया है, शिवसेना हमारे साथ। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कांग्रेस ने सावरकर का सम्मान एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह किया, राहुल गांधी ने जो कहा वो ऐतिहासिक तथ्य है, बीजेपी को आईना दिखाना हमारा मकसद। सांसद नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उद्धव ठाकरे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उद्धव ठाकरे बताए कि वो राहुल गांधी को भगवान मानते हैं या सावरकर को। और अब देख लेते हैं अदालतों में होने वाली बड़ी सुनवाई काम की खबरें और जेल जगत की तमाम खेल जगत की माफ कीजिएगा तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड। दिल्ली में शराब नीति मामले में गिरफ्तार गौतम मल्होत्रा की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, पूर्व अकाली दल के विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे हैं गौतम मल्होत्रा। दिल्ली के चावला गैंगरेप केस पर दोबारा विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, 3 जजों की बेंच ने दोषियों को बरी करने के आदेश को ठहराया सही। गंजावाला हत्याकांड मामले में आरोपियों की कोर्ट ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज और मित्तल की बढ़ाई हिरासत। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून की गई, केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाई समय सीमा, करदाताओं को इनकम टैक्स जमा करने के लिए मिला समय। अब पीएफ में जमा रकम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, ईपीएफओ ने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में मामूली बढ़त कर 8.15% हुई दर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के लिए देना होगा शुल्क, बद्री केदार मंदिर समिति ने ₹300 तय की फीस। 2 बार के IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने सीजन के लिए नीतीश राणा को अंतरिम कप्तान बनाया है, KKR के कप्तान श्रेयस अय्यर पीठ की चोट के कारण IPL के पहले चरण से बाहर रहेंगे। 9 सेकंड में न्यूज लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, देखिए राजस्थान के कोटा पहुंच चुका है अतीक का काफिला, कोटा पुलिस लाइन पर अतीक के काफिले को रोका गया है, साबरमती जेल अतीक को लेकर जा रही है यूपी पुलिस, और इस वक्त कोटा में काफिले को रोका गया है साबरमती जेल। कल अदालत ने सजा सुनाई थी अतीक अहमद को उम्र कैद की, उसके बाद कल शाम को ही अतीक की रवानगी वापस हुई साबरमती की तरफ,
यूपी पुलिस का पूरा काफिला अतीक अहमद को सुरक्षा घेरे में लेकर साबरमती की तरफ बढ़ चला। इस वक्त काफिला कोटा में रुका हुआ है। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनीष, पूरा अपडेट बताइए, अगर तस्वीरें सामने हैं तो वो भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटा के, जो कोटा का शहरी इलाका है उसका थाना आनंदपुरा है, और उसके बाहर हूँ। और अगर आप भीतर देखें तस्वीरों में तो आपको दिखाई देंगी दो पुलिस की वो वेन जिन्हें लेकर, जिसमें अतीक को लेकर प्रयागराज से निकलने के बाद साबरमती जेल जाया जा रहा है। लेकिन जब से प्रयागराज से ये काफिला रवाना हुआ था तो कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं हुआ था। इसी के चलते राजस्थान के अनंतपुरा कोटा के इस थाने में फिलहाल पूरे के पूरे काफिले को रोका गया है। आप जो वेन दिखाई दे रहे हैं उसमें इस वक्त अतीक बैठा हुआ है, यानी कि अतीक अभी इस वेन से बाहर नहीं निकला है। उसके अलावा सशस्त्र पुलिस घेरा है, हम देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन आधा घंटे का ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि पुलिसकर्मी काफी थके हुए हैं और लगातार रात से चल रहे हैं। छोटे छोटे ब्रेक 3 मरतबा जरूर लिए गए, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेक, जिसको कहा जाए ब्रेकफास्ट के लिहाज से या रिफ्रेशमेंट के लिए, वो नहीं हो पाया था। उसी के चलते राजस्थान पुलिस ने अनंतपुरा कोटा में इस काफिले के रुकने के इंतजाम किए हैं, और इस वक्त अतीक को जिस वेन में बिठाया गया है उसके चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें यूपी एसटीएफ के अलावा। मनीष, ये भी बताते चलिए कितनी देर रुका रह सकता है काफिला यहाँ पर। देर बाद अतीक को जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं तकरीबन 10 मिनट होने को आए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग आधा घंटे तक इस काफिले को रोका जा सकता है, और इसी दौरान अतीक को संभवतः नीचे भी उतारा जाएगा। हालांकि अभी तक वेन का दरवाजा खोला नहीं गया है, लेकिन वहां पर तैनात जिस तरह से पुलिस कर्मियों की गतिविधियां हैं उसको देखते हुए लगता है कि यहां उसे उतारा जा सकता है रिफ्रेशमेंट। जी मनीष, तो क्या लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं अभी तक वैन से नहीं उतारा गया अतीक अहमद को, क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि या तो अतीक को भीतर ही रखा जाए, और इसके अलावा दूसरे राजस्थान पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंच सकते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हो सकता है उसके चलते अतीक को नहीं उतारा गया हो। लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों को पार्क किया गया है या पुलिस के जवान जिस तरीके से रुके हुए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अतीक की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो वॉशरूम हो या रिफ्रेशमेंट हो, या वो चूंकि बीपी और डायबिटीज का पेशेंट है तो कोई दवाई के लिहाज से कुछ खाने पीने की जरूरत भी रहती है, तो उस लिहाज से भी रोका जा सकता है। लेकिन 10 मिनट होने के बावजूद अगर वेन का दरवाजा नहीं खुला तो इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ देर बाद यहां से रवाना भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन आधा घंटे का ये ब्रेक हो सकता है। अब बस इंतजार इस बात का है कि क्या अतीक को वेन से उतारा जाता है या वो वेन में ही रहेगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यह है कि थाने के गेट को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है, केवल पुलिस के अधिकारी और जो यहां का स्टाफ है। इसके अलावा कुछ नजदीकी थानों का स्टाफ भी यहां बुला लिया गया था। तो ये पूर्व नियोजित ब्रेक था, और उसी के चलते कोटा शहर के भीतर इस प्रकार काफिले को लाया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी वेन जो है वो खड़ी है, लेकिन अतीक को नहीं उतारा गया है। पुलिसकर्मी जरूर कुछ पानी और चाय इत्यादि तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अतीक को वेन में ही रखा गया है। और यही देखना होगा कि क्या अतीक को उतारा जाएगा इस ब्रेक के लिए, या केवल कुछ देर के ब्रेक के बाद ये काफिला रवाना हो जाएगा। मनीष, आप जब काफिला गया था प्रयागराज की तरफ तब भी आप लगातार बने हुए थे, आपने लगातार नजर बनाए रखी थी, और अब भी आप यहाँ पर मौजूद है कोटा के अंदर। जानना चाह रहे हैं अभी यहाँ से कितना सफर और बाकी है, जो राजस्थान के अंदर कितने जिलों से होकर गुजरेगा अभी? बिल्कुल, मैं आपको इसकी पूरी गणना समझाता हूँ। इस वक्त हम कोटा शहर में हैं, और इसके बाद जो भीलवाड़ा का एक पैच आएगा और उसके भीतर नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन चित्तौड़गढ़ तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ से ये काफिला पहुंचेगा उदयपुर, और उदयपुर तक की दूरी चित्तौड़ से तकरीबन 100 किलोमीटर है, यानी 300 किलोमीटर अभी राजस्थान के 4 जिले यानी बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। उदयपुर से निकलने के बाद रतनपुर बॉर्डर जो है वो लगता है राजस्थान का डूंगरपुर जिला। तो डूंगरपुर जिला अंतिम जिला है जहां से निकलने के बाद ये काफिला प्रवेश कर जाएगा गुजरात राज्य में अहमदाबाद, और उसके बाद साबरमती। तो ये हम मानकर चलते हैं कि शाम तकरीबन 7 बजे तक अतीक का ये काफिला साबरमती जेल पहुंच जाएगा, यदि रफ्तार बनी रही और कोई और विशेष परिस्थितियां नहीं हुई। मनीष, तो कह सकते हैं कि अभी लगभग 8 से 9 घंटे का और वक्त लगेगा अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की इन गाड़ियों को साबरमती जेल पहुंचने तक। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपके जरिए आगे की तस्वीरें, आगे का पूरा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल 9 सेकंड में न्यूज में हमारे साथ आज के लिए इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।